अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल मशी। हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आजकल बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको रिटेन नहीं कर पा रहे। नई लॉट जो भी आ रही है, जो भी अदारों में रखी जा रही है, वो बच्चे सारे के सारे जो हैं वो एक ही इदारे में एक साल से या डेढ़ साल से ज़्यादा स्टे नहीं करते और वहाँ से छोड़कर अगली ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो अदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि वो पुराने लोगों को रिटेन नहीं करना चाहती और चाह रहे हैं कि वो पुराने लोग जो कि अदारों में 10, 15 या 20 साल से बैठे हैं उनको फ़र्क कर दिया जाए। उसमें उनकी कॉस्ट का मसला तो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेट है, जो नया बनाया गया है, जो KPIs नहीं बनाए गए हैं, उसमें उन लोगों को फिट इन ख्याल नहीं करते और उनका ख्याल ये है कि ये लोग जो हैं वो वेले हैं और वो काम नहीं करते। वो ये है कि दुनिया में जब 60s तक जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते रहे हैं उसमें जो मुलाजमीन या जो लेबर क्लास थी वो सारी की सारी जो थी वो एक गुलाम और मुलाजम ऐसे मुलाजम थे जो कि छोड़कर जाने का तसव्वुर नहीं करते थे। अब वो जो जब छोड़ कर जाने का तसव्वुर नहीं करते थे तो मालकान उससे जो भी अच्छा बुरा सलूक करते थे वो उनको सहना पड़ता था और उनके लिए वही ज़िंदगी और मौत का मसला होता था। 60s के दौरान में बहुत सारे अदारे जो थे उन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया, उनको प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पेश आने लग गई और उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल लोग जो उनके पास काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे उनको रिटेन करने की भी कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये पता था कि वो अपनी जो डेवलपमेंट का मोमेंटम है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे। अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनको फिर एक नए सिरे से जो है वो एक टीम तैयार करनी पड़ेगी और टीम तैयार करना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता। स्किल्ड लेबर के अलावा एक टीम एफर्ट और एक टीम का जो लाइजनिंग है वो जब क्रिएट हो जाती है तो कोई भी अदारा बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। 70s से लेकर 90s के दरमियान में ये सूरत हाल जो थी वो बरकरार रही और इस सूरत हाल के बरकरार रहने की वजह से जो है वो जो मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी लॉट थी वो तैयार हुई, जो कि इस तरह डेवलप हुई कि सारे के सारे जो थे वो अच्छी जो है वो पे हासिल करने लगे, अदारे उनको सहूलतें फ्राहम करने लगे और वो उसी अदारों के ख़ास और बेहतरीन मुलाजम कहलाने लगे। फिर यह है कि उनको ये भी एक एहसास दिलाया गया कि जी वो एक हेरिटेज का हिस्सा लेकर चल रहे हैं, जो एक हेरिटेज का हिस्सा है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी वजह से ग्रो कर रही है। फिर ऐसा ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट था वो 90s में शटर होना शुरू हो गया। लोगों की जो तरक्की थी वो ज़्यादा होती गई, कोल्ड वॉर जो थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई थी, दुनिया में जो डेवलपमेंट की एक स्टैग्नेशन थी वो आकर सामने खड़ी हो गई। दुनिया में बहुत सारे जो अदारे थे वो ग्रो करना बंद हो गए और ऐसा ऐसा जो है वो रिसेशन की तरफ जो है वो दुनिया चली गई। यानी डेवलपमेंट उस तरह तेज़ी से नहीं हो रही थी जितनी के 60s और 70s के दरमियान में देखने को मिलती रही है। उसकी वजह से जो पुराने लोग थे उनकी जो अहमियत थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म होनी शुरू हो गई। अदारों ने ये फैसला कर लिया कि अब इनको रिटेन करना जो है वो हमारे लिए बड़ा कॉस्टली होता जा रहा है, क्योंकि हमें उस तरह की स्किल्ड लेबर या उस तरह के स्किल्ड लोग जो हैं वो बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं और वो क्योंकि नौजवान खून है, ताज़ा दम है और वो आकर हमारे पास उनसे आधी तनख्वाह में जो है वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये बना कि जो नई पौध आई या नए जो लोग आए या नए बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल के आए उनको चंद ख्वाहिशात और चंद जो उनके बैक ऑफ द माइंड जो स्टोरी थी वो चेंज हो गई। उनके जहन में ये डेवलपमेंट हो गई कि हमारे वालदैन ने या हमने बहुत मेहनत से और बहुत पैसा खर्च करके जो है वो डिग्री हासिल की है। अब वो जो डिग्री हासिल की है उसके डिग्री हासिल करने की वजह से हमें एक तो अच्छी पोजिशन पर जो है वो डेजिग्नेट किया जाए, जो कि फौरी तौर पर बहुत सारे अदारे जो हैं उसको नहीं जो है वो मानते या उसको नहीं पसंद करते या नहीं दे सकते, वो ऐसा ऐसा उनकी ग्रोथ चाह रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नए आने वाले थे उनकी ख्वाहिश थी कि वो अच्छी बड़ी और की सीट्स पर
आते साथ ही बैठे, आते साथ ही वो जो है वो उनको उस पर प्ले करना शुरू कर दिया, वो पुराने लोगों को वो आते साथ साइड पे करना शुरू कर देते थे, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिस्टर्ब भी हुई, अभी भी डिस्टर्ब हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा फिनोमेनन जो है वो क्रिएट हुआ। लेकिन साथ ही जो नए लोग आए मैदान में और नौजवान लोग आए, वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसको मांगने लगे। अमेरिका और इंग्लैंड और या यूरोप में इसका जो है वो इंतज़ाम पहले से किया गया, लेकिन थर्ड वर्ल्ड में, ख़ासतौर पर एशिया में, जो से पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो दीगर ममालक हैं, वो उन्होंने उस चीज़ का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो नहीं की, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया। ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये इन्वायरमेंट चाहते हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे लेवल पर बैठ के, वो एक अच्छी बड़ी डिग्री लेकर जो आए हैं, वो चाहते हैं कि हमें उसका प्रॉपर जो है वो रिटर्न मिले, जो कि फिर जब उनको नज़र आता है कि उनको उस अदारे में वो रिटर्न नहीं मिल रहा और उनकी ग्रोथ जो है वो उनके प्रोस्पेक्टिव में उस कदर नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं कि वो फौरी तौर पर जॉब को स्विच कर लेते हैं, और मार्केट में क्योंकि उनके जो ताल्लुकात हैं या उनका जो एक दूसरे से लाइजनिंग है या डेट के ज़रिए पूरी दुनिया से उनका जो कनेक्शन है वो इस कदर फास्ट और इस कदर जो है वो रैपिड हो गया है कि वो इस चीज़ को यूज़ करने में बड़ा ही जो है अपने आप को आसान समझते हैं, ख़ासतौर पर आईटी की डेवलपमेंट की वजह से और घर से बैठ कर काम करने की जो फ़ायदे हैं उसकी वजह से। उन ये जो नए जो आने वाले लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ को इनकैश करवाया और वो चाहते हैं कि अब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट बैठ के काम करें जो कि उनको सूट करता है, ना कि जो उनको पैसे दे रहा है वो उसको सूट करे। उसको वो काम पूरा करके देते हैं, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट या उस सेट का नखरा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी बॉटम लाइन है। लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं वो उस एनवायरनमेंट को समझते हैं, उन एनवायरनमेंट को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि एचआर की जो मैनेजमेंट है वो आज के दौर में पुराने बंदों को रिटेन करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंक्स हैं, चाहे मल्टीनेशनल अदारे हैं या जो लोकल बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे ये प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिटेन करना बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है।